दरभंगा पुलिस ने छापेमारी के क्रम में जब्त अर्धनिर्मित देसी शराब का किया विनिष्टीकरण। होली पर्व पर दरभंगा में 2000 पुलिस बलों की होगी नियुक्ति, एसएसपी ने कहा। होली पर्व को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक। डिग्री कॉलेज से इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को स्थानांतरित करने के खिलाफ आयशा ने किया प्रदर्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ कार्यालय में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। कुल सचिव, कुलानुशासक सहित कई विश्वविद्यालय के पदाधिकारी रहे मौजूद। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाज शास्त्र विभाग में महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के मिथिला में योगदान विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा टावर पर नगर निगम के कर्मी एवं नगर थाना पुलिस रही दिन भर तैनात, किसी दुकानदार को नहीं करने दी सड़क पर दुकानदारी। नगर थाना पुलिस ने सेनापत मोहल्ले से एक नशेड़ी को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के दिशा निर्देश में आज मद निषेध को प्रभावी बनाने हेतु अवैध नशीले पदार्थ के निर्माण, बिक्री एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत दरभंगा जिला अंतर्गत बहेरा थाना एवं ALTF-4 के संयुक्त छापेमारी के क्रम में ग्राम सुपौल सदाय टोला से विभिन्न जगहों से अर्ध निर्मित देसी शराब करीब 1000 लीटर एवं अन्य सामग्री बरामद किया गया। वहीं जब्त अर्ध निर्मित देसी शराब एवं सामग्री का विनिष्टीकरण किया गया। दरभंगा में पूर्व में हुए मारपीट, हंगामा और दंगे को देखते हुए दरभंगा SSP ने CRPF, BSF के अन्य टुकड़ियों को तैनात किया। SSP ने कहा कि सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात होगी, सादे वर्दी में पुलिस रहेंगे। बाहर से भी 2000 पुलिस बल बुलाए गए हैं जिनके द्वारा प्रतिदिन फ्लैग मार्च होगा। देखिए, हमारे पास 1300 जिला बल, बाकी बाहर से भी हम लोग एक कंपनी मिला हुआ है, फिर हमारे पास SSP भी है और टोटल मिला के लगभग 2000 हमारे पास लोगों से पदाधिकारी है। उसका डिप्लॉयमेंट ऑर्डर निकल चुका है और इसके साथ QRT भी रहेगा। अनुमंडल में भी QRT है और यहाँ जिला लेवल पर QRT है। दंगा नियंत्रण का हम लोग पार्टी भी बनाए हैं, उनके साथ बॉडी प्रोटेक्ट हेलमेट भी रहेगा और हम लोग सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रहे हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया सेल काम कर रहे हैं, साइबर थाना भी काम कर रहे हैं और इसके अलावा हम लोग जो ट्रैफिक थाना को भी एक्टिवेट किए हुए हैं ताकि वो ट्रैफिक को जाम ना रहे और व्हीकल चेकिंग लगातार चल रहा है पूरे जिला में। और जो मध्य जो कानून है उसको भी हम लागू करने के लिए पूरा लगातार रेड चल रहा है, क्योंकि CISF और SSP आए हैं, उनके साथ भी हम लोग मिलकर काम। दरभंगा में होली पर शांति एवं श्रद्धा से मनाने के उद्देश्य से दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा दरभंगा के भीमराव अम्बेडकर सभागार में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स की नियुक्ति और DJ बजाने को लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ शांति समिति के सदस्यों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। BPSC TRE3 पेपर लीक मामले तथा बिहार सरकार द्वारा जारी इंटरमीडिएट के नए नियमों के विरोध में आयशा ने जिला सचिव मयंक कुमार तथा जिला अध्यक्ष शम्स तबरेज के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला। यह प्रतिवाद मार्च गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी से भोगेंद्र झा चौक तक विभिन्न नारों के साथ पहुंचा। मार्च के उपरांत छात्रों के समूह को संबोधित करते हुए जिला सचिव मयंक कुमार ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जारी इंटरमीडिएट नामांकन के नियम अपनी नियत में सही हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुपालन बेहद अन्यायपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। आयशा सरकार से यह मांग करती है कि इंटर के वर्तमान सत्र एवं इससे पूर्व के सत्रों के छात्रों का नामांकन यथावत रखते हुए अगले वर्ष पूरी पारदर्शिता के साथ नए नियम लागू किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की।
गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित, कुलानुशासक अजय नाथ झा, प्रथम उप कुल सचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान, वित्त पदाधिकारी सहित विश्वविद्यालय के कई अन्य विभाग के पदाधिकारी एवं अधिकारीगण मौजूद थे। कितने लोग शामिल हैं समारोह में? तो देखिए, सभी कर्मचारी हैं, सभी पदाधिकारी आए हैं। कौन कौन आए थे? माननीय कुलपति महोदय का अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण सर नहीं आए। हम लोगों के गार्जियन थे, तो गार्जियन तबियत खराब हो गया इसलिए नहीं आया। सारे पदाधिकारी, मिनिस्टर साहब, वित्त पदाधिकारी महोदय, कंट्रोलर साहब, जितना भी पदाधिकारी हैं सब सभी लोग आए हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम शंकर प्रसाद सिंह, कर्मचारी संघ अध्यक्ष। क्या ये बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार होली होता है? ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और ये जो है सत्य का जीत है, इसका पर्व है। आज जो है से हम सभी कर्मचारी, शिक्षक, पदाधिकारी, छात्र बंधु सारे आदमी मिल करके इस पर्व के प्रत्येक साल की भांति इस साल भी रविंद्र नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा यह जो है होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हम लोग सारे पदाधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे शिक्षक छात्र मिलकर के इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाए हैं और इस साल के भांति, प्रत्येक साल की भांति इस साल भी होली है और सारे आदमी का, कर्मचारी का सहयोग मिला है। सारे कर्मचारी स्वयं यहाँ आ कर करके सब कोई हंसी खुशी से गले में गले मिल करके एक भाईचारा का प्रतीक, भाईचारा का संदेश दिए हैं। ये भाईचारा सदा दिन बने रहे, बना रहे, यही में सारे कर्मचारी, बंधु, शिक्षक और पदाधिकारी। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के मिथिला में योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन ने किया। बता दें कि इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में CM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा, MLSM महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा एवं RCS कॉलेज मझौला के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण पासवान मौजूद थे। वहीं आए अतिथियों ने महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कई बातों की चर्चा की। में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय था महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह का मिथिला में योगदान। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित हुई। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर विद्यानाथ झा, पूर्व प्रधानाचार्य MLSM कॉलेज उपस्थित हुए, जो पर्यावरण शास्त्री भी हैं, बॉटनी के स्पेशलिस्ट भी हैं। हमारे विश्वनाथ झा, पूर्व प्रधानाचार्य CM कॉलेज उपस्थित हुए। हमारे बीच डॉक्टर सत्यनारायण पासवान, पूर्व प्रधानाचार्य RCS कॉलेज मझौल उपस्थित हुए और सत्यनारायण पासवान ने महाराजाधिराज के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी बातों को प्रस्तुत किया और बताया कि उनमें दानशीलता थी, वो बड़े दिल के साफ थे, विद्वान थे और उनके बायोग्राफी के बारे में, जीवनी के बारे में प्रस्तुत किया। हम अपने इन विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम एवं नगर थाना पुलिस दरभंगा टावर पर दिन भर तैनात रही। वहीं दरभंगा टावर पर जहां सुबह होते ही कई फुटपाथी दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से सड़कों पर दुकानदारी की जाती थी, लेकिन आज वह नज़ारा कुछ अलग दिखने को मिला। नगर निगम के कर्मी किसी भी दुकानदार को वहां लगने नहीं दिया और उसकी दुकानदारी नहीं चलने दी। बता दें कि मंगलवार को दो दुकानदारों के बीच में झड़प हो गई थी। झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और मामले को सुलझाने में लगी हुई थी। संयोगवश
कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं इस मामले को देखते हुए बुधवार को दिन भर वरीय पदाधिकारियों का दौरा दरभंगा टावर पर होता रहा और दरभंगा टावर पर जितने भी दुकानदार थे जो फुटपाथ दुकानदारी करते थे उन सभी को वहां से हटा दिया गया और सख्त हिदायत दे दी गई। पैदल भी आने जाने में रुकावट होता था, यहाँ की प्रशासनिक भी कुछ गड़बड़ी थी, इसीलिए आज जो हम देख रहे हैं टावर वो टावर बुझा रहा है, पहले की तरह टावर नहीं बुझा रहा है। किसका इसमें आपको सहयोग दिख रहा है? नगर आयुक्त का ज़्यादा हमको सहयोग बुझा रहा है, इसी तरह नगर आयुक्त सब दिन रखे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो नज़ारा ही बदला बदला सा नज़र आता है, कयामत किनकी हुई है ये पता नहीं है, मगर समाचार पत्र और आप लोग के मीडिया के माध्यम से पता लगा कि कल सदर अनुलाधिकारी और सदर SDPO माने DSP टाउन आकर के ये नज़ारा बदलवाए हैं। हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, यही नज़ारा रहना चाहिए। सड़क है, सड़क चलने के लिए है, आमजनों के लिए है, मगर सड़क पर ठीक है, गरीबी है, लोग अपना पेट चलाते हैं, रोजगार नहीं है तो रोजगार, मगर सड़क की भी आवश्यकता है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जिनकी भी कृपा से हुआ हो ये नज़ारा सब दिन बनी रहे, आमजनों को कष्ट नहीं हो, ये हम लोग निवेदन करेंगे और जिन्होंने किया है उनको लाख लाख धन्यवाद। नगर थाना पुलिस ने एक नशेड़ी को सेनापत मोहल्ले से गिरफ्तार किया है, जहां जांच उपरांत उसके ब्रेथ एनालाइजर से जब जांच की गई तो अल्कोहल की पुष्टि हुई है। उसके बाद नगर थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया है और उसे कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मनोज कुमार शुक्ला है, जो नगर थाना क्षेत्र के ही सेनापत का रहने वाला है।